बीसीए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना कैसा रहेगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीसीए करने के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मुकाबले अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीसीए करते हैं तो टोटल फीस में आखिर कितना फर्क आता है। अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं टॉप 5 बीसीए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में, और इन यूनिवर्सिटीज की जो ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग है वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएससीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है केरला यूनिवर्सिटी, जहां से आप बीसीए कर सकते हैं। केरला यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, नैक A++ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 40th है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर आप केरला यूनिवर्सिटी से बीसीए करना चाहते हैं तो 12th आपने मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया के साथ पास की होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैथ्स या फिर सीएस आपके पास मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें बीसीए की केरला यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, जहाँ पे 12th के मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस है ये फिलहाल अभी चालू है 1 जून से 15 जून तक, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब फीस की अगर हम बात करें तो बीसीए की जो टोटल कोर्स की फीस केरला यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस से है वो है 78,000 रुपीस। जी हाँ, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। केरला यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड टोटल 26 कॉलेजेस है जहां से आप बीसीए कर सकते हैं, और यहां पे बीसीए कोर्स के अलावा बीए, बी वोकेशनल, बीएससी कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीसीए के अलावा, तो भी आप केरला यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। सेकंड पॉपुलर और बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बीसीए करने के लिए, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये जो यूनिवर्सिटी है ये नैक A+ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, और इसकी 2022 के हिसाब से एनआईआरएफ रैंकिंग 55th है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि यहां पे कौन-कौन से स्टूडेंट्स बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपने 12th पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपने 12th पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 12th में आपके पास मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस एज मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। 2023 में यहां पे एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन के लिए यहां पे CUET 2023 के स्कोर को कंसीडर किया जाएगा बीसीए में एडमिशन के लिए। तो अगर आपने CUET दिया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं अपने स्कोर के बेसिस पे, तो आपको इसको फॉलो अप लेते रहना पड़ेगा। अब आते हैं फीस पे। बीसीए की फीस यहाँ की बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप यहाँ से बीसीए करते हैं, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है बीसीए करने के लिए, तो टोटल आपकी जो बीसीए कोर्स की फीस है वो केवल 9,000 रुपए है। जी हाँ, 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज, जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीसीए के अलावा डिफरेंट कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बीटेक हो गया, इसके अलावा बीबीए हो गया, बीएससी हो गया, ये सभी कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तीसरे नंबर की टॉप की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है ये है 56th ऑल ओवर इंडिया। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से एसोसिएटेड 8 कॉलेजेस हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि यहां से कौन से बच्चे बीसीए कर सकते हैं, तो 12th में आपके पास मैथ्स एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% मिनिमम मार्क्स आपने स्कोर किए होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां पे जो एडमिशन बीसीए में होगा ये CUET 2023 के बेसिस पे होगा, तो अगर आपने ये दिया है तो यहां पे आप इस यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की, यानी कि बीसीए का जो पूरा कोर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से आप कितने में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पे बीसीए की टोटल 3 साल की जो फीस है वो केवल 63,000 रुपीज है। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए में यहां पे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, वेब टेक्नोलॉजी हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, तो आप स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में भी जा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है बैंगलोर यूनिवर्सिटी, जहां से आप बीसीए कर सकते हैं। ये नैक A+ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है और इसकी एनआरएफ रैंकिंग 64th है ऑल ओवर इंडिया। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि यहां से कौन से बच्चे बीसीए कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। 12th के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स
यहाँ से बी सी कर सकते हैं, यानी कि बी सी करने के लिए एलिजिबल हैं। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से अगर आप बी सी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देना होगा इनका क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन KCET, यानी कि कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसके मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे बी सी में एडमिशन होता है। फीस पे अगर हम आते हैं तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी की फीस भी काफी ज्यादा कम है। बी सी की टोटल जो फीस है यहाँ पे 3 साल की कोर्स की वो है केवल 15,000 रुपए, और यहाँ पे भी बी सी के अलावा बी ए बी एस सी ये सभी कोर्सेज भी अवेलेबल है अगर आप इन कोर्सेज को चेक कर रहे हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी में। फिफ्थ नंबर की जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको रिकमेंड करूंगा वो है GGS IPU, यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये NCR रीजन की वन ऑफ द पॉपुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसमें से BCA कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी NAC A++ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है और इसकी NRF रैंकिंग 2022 के हिसाब से 77th है ऑल ओवर इंडिया। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि यहाँ से कौन कौन से बच्चे बी सी ए कर सकते हैं तो 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और आपके पास मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, यानी कि यहाँ पे आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पे आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम IPU CET क्वालिफाई करना रहता है। इसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आप बी सी ए कर सकते हैं, और कुछ सीट्स यहाँ पे CUET 2023 के बेसिस पे भी फिल की जाएंगी। तो अगर आपने CUET अटेम्प्ट किया है तो इसके बेसिस पे भी आप IPU को टारगेट कर सकते हैं BCA करने के लिए। फीस की अगर हम बात करें तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस से BCA की जो फीस है पूरे कोर्स की वो है लगभग 1,00,000 रुपए के करीब, और यहाँ पे IPU से अफिलेटेड 120+ कॉलेजेस है जहाँ पे वैरायटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप और प्रोग्राम्स को भी देख रहे हैं तो भी IPU एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने इन टॉप 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को नोट कर लिया होगा, इनसे रिलेटेड जो सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उन्हें भी अच्छे से समझ लिया होगा BCA में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल BCA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी हम लेके आएंगे BCA फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।